स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी में ताला लगाकर कार्य बहिष्कार कर दिया है। इससे ओपीडी में इलाज कराने आए मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि इन लोगों को 15,000 के करीब प्रति माह के हिसाब से दिया जा रहा है, जो प्रतिदिन का 500 रुपया होता है। यह एक राजमिस्त्री की मजदूरी से भी कम है। ये है कि बड़ी बड़ी दूर से सफर से आदमी आ चुका है, ठीक है, इसलिए कि जो बंद जो कर दिया है अथी के डॉक्टर के यहाँ आउटडोर बंद कर दिया है, तो क्यों बंद कर दिया? लोग के सोचा दे देते ना कि नहीं आएगा, इतना दूरी से नहीं आता, ठीक। कान के दिखाने आए, कान के इलाज है उसको, डॉक्टर आज बोला है उसको 40 साल उम्र है। वही आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टर सात्विक ने कहा कि सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों से स्टाइपेंड का पुनर्निरीक्षण नहीं किया गया। वर्ष 2017 में सरकार द्वारा यह संकल्प लिया गया था कि प्रत्येक 3 वर्ष में इसका पुनर्निरीक्षण होगा, लेकिन सरकार अपने संकल्पों से लगातार पीछे भाग रही है। वहीं इन लोगों ने अपनी मांग को लेकर कई बार आंदोलन किया, लेकिन आश्वासन के अलावा इन लोगों को किसी प्रकार का लाभ आज तक नहीं मिल पाया। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का स्टाइपेंड जो है 14,700 रुपया अभी एक महीना का, तो उसी को बढ़ा के हम लोग 35,000 करने का मांग रख रहे हैं। ये मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले काफ़ी वर्षों से नहीं बढ़ाया गया है। पिछले साल भी स्ट्राइक हुआ था, हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि आपका मांग पूरा किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिया गया था आश्वासन, हम दे चुके थे, अखबार में दिए थे, सुपरिटेंडेंट को दिए थे, सेक्रेटरीट को दिए थे, जब IGMS है उसका स्टाइपेंड 26,300 है। बगल के स्टेट में झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, 24,000, 29,000, 30,000 ऐसे मिलता है हम लोग सबको। सेम स्टेट में हम लोग के बैठने उनको मिलता है, तो हम ही लोग को है कि 500 रुपया भी नहीं मिलता है एक दिन का, इसलिए हम लोग मांग रखने के लिए हड़ताल करना पड़ा है। जब तक नहीं मांग पूरा होगा तब तक हम लोग स्ट्राइक करेंगे, ओपीडी बंद रहेगा। वहीं आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल इन लोगों को 14,700 रुपये मिल रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि उसे बढ़ाकर 35,000 रुपया किया जाए। साथ ही इन लोगों ने कहा कि आपातकालीन सेवा फिलहाल बहाल है, उसके अलावा ओपीडी तथा अन्य विभाग से इन लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया है। इन लोगों का कहना था कि जब तक इन लोगों की मांगों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक ये लोग आंदोलन जारी रखेंगे।